वही राजधानी रायपुर से खबर है जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बैठक करने का अधिकार है। वही पिछली बैठकों में कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं, इस बैठक में भी ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है, साथ ही साथ भाजपा कार्य समिति की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियां करने का अधिकार है, पर कांग्रेस की अभी समीक्षा बैठक हुई, हम सब ने देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ। इस बैठक में भी यही होने वाला है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को छला, धोखा दिया, छत्तीसगढ़ की जनता कभी कांग्रेस पर भरोसा करने वाली नहीं है। पिछली प्रदेश कार्य समिति से अब तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों के परिजन जिनका निधन हुआ है, उनके लिए शोक प्रस्ताव पारित हुआ है। हम सब ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है।